हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, आज हम फिर से आरडी शर्मा बुक के कुछ एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज 13.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहे कि इन फिगर एन एंड सीपी आर परपेंडिकुलर्स टू द डायगोनल बी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, यानी कि हमारे पास देखिए ए एन एंड सी पी, वो क्या है? परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? डायगोनल बी डी के ऊपर। ठीक है, हमारे पास ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम में, ठीक है, जिसमें दिया गया है। तो कह रहे कि प्रूव दैट ट्रेंगल ए डी एन, ए डी एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल सी पी बी या सी बी। ओके, एंड सेकेंड क्या रखिए, ए एन इक्वल टू सी पी, ये भी प्रूव करना है। चलते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे पास क्या दिया हुआ कि यहाँ पे जो ए बी सी डी, ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है, और बी डी क्या है? डायगोनल है ना। तो ध्यान से देखते हैं, देखो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या होगा? ए डी पैरेलल टू बी सी होगा ये, और ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, जो ए बी सॉरी ए डी पैरेलल टू बी सी होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखो, अगर बी डी को मान लेते हैं कि यह ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? अगर ये एंगल वन होगा और ये एंगल टू होगा, तो वन इक्वल टू टू होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है ना। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ट्रांसवर्सल बी डी इंटरसेक्ट देम एट बी एंड डी, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या इसे मान। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ए डी एन एंड सी बी पी, ध्यान से देखो ए डी एन एंड सी बी पी, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, हो जाएगा एंगल वन इक्वल टू टू, अब यहाँ पे प्रूव कर दिया हमने। ठीक है, एंगल ए एंड डी, ध्यान से देखो एंगल ए एंड डी इक्वल टू सी पी बी, क्योंकि जब ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर होता है, दोनों का एंगल क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ पे होगा 90 डिग्री। ठीक है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो सामने सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, तो यहाँ से ए डी इक्वल टू क्या हो गया? बी सी। ओके, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो शो बाई एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, यानी कि एंगल एंगल साइड थ्योरम के जरिए क्या हो जाएगा? वी हैव डन ट्रायंगल ए डी एन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी पी, यानी कि ए डी एन होगा वो सी बी पी का क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके ऑल पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होता है तो क्या होता है? सभी पार्ट उनके इक्वल होते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया? इस वाला ट्रायंगल में आ रहा है सी पी, और इधर क्या हो गया? ए एन। तो सी पी और ए एन क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ओके, और अगर यहाँ पे प्रूव करना होता है कि बी पी इक्वल टू एन डी, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ से बी पी और एन डी भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाता है। अगर वो भी प्रूव करना तो भी हो जाता है। ओके, ध्यान से देख लेना, इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल चीज है। ओके, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, इसलिए यहाँ पे ए डी पैरेलल टू बी सी है। एक बार ध्यान से देख लेना, ए डी पैरेलल बी सी और ट्रांसवर्सल बी डी इंटरसेक्ट कर रही है बी और डी पे, तो हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि ये वाला, ध्यान से देखो ये एंगल क्या होगा? इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर होगा, तो हो गया टू, ए गया वन। ठीक है, तो इसलिए वन और टू बराबर हो गया यहाँ से, और दोनों ट्रेंगल से ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला एंगल बराबर हो गया, आमने साइड के बराबर होता है, तो हम जानते हैं कि एंगल एंगल साइड के जरिए क्या होता है? एंगल एंगल
और इसका अपोजिट साइड है ना, फिर से एंगल एंगल और इसका अपोजिट साइड, तो इस तरह से क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके ध्यान से देख रहे हैं, देखते हैं, कह रहे कि पी क्यू आर एस, ध्यान से देखो पी क्यू आर एस ठीक है, इज अ पैरेललोग्राम पी एक्स एंड क्यू वाई, यानी कि पी एक्स एंड क्यू वाई आर रिस्पेक्टिवली द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी एंड क्यू, यानी कि पी एंड क्यू से क्या गया है, इस पर परपेंडिकुलर है यानी कि लंब डाला गया है ठीक है, क्यू टू एस आर एंड आर एस, बात तो ये है, यानी कि पी से एक्स का एक्स एस आर पे क्या किया गया, पी एक्स लंब डाला गया, और इधर भी क्या है क्यू से क्यू वाई क्या हो गया, लंब डाला है किसके द्वारा, किसके ऊपर, एस आर आर एस के ऊपर। ओके वेंड प्रूव दैट कि पी एक्स इक्वल टू क्यू वाई, यानी कि हमको प्रूव करने के पी एक्स एंड क्यू क्या होना चाहिए, क्यू वाई ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके तो अगर हम प्रूव कर दें कि दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो समझो कि ये क्या होगा, जब कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो सकता है ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट में सारे पार्ट क्या होते हैं, ट्रायंगल के इक्वल होते हैं, तो इस तरह से साबित कर सकते हैं ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, सिंस पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेललोग्राम है ठीक है, जब पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी एस होगा वो क्या होगा, आर क्यू के या क्यू आर के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने के साइड क्या होता है, इक्वल होता है। ओके एंड एंगल पी एस आर, इसको मान ली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब ध्यान से देखते हैं, एंगल पी एस आर ओके आ प्लस का क्यू आर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ध्यान से देखो जब कोई पैरेलल लाइन को ठीक है, जब ये पैरेललोग्राम तो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी ली, यानी कि पी क्यू, ध्यान से देखो पी एस और क्यू आर ये दोनों पैरेलल है, तो इसको मान लो कि कोई इधर से लाइन कट कर रही है, तो जो इनके इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी कि ध्यान से देखो पी एस आर एंड क्यू आर एस ये दोनों का योग क्या हो गया, 180 डिग्री। ओके अब यहाँ पे हो गया पी एस आर इक्वल टू 180 माइनस क्यू आर एस, लिख सकते हैं 180, इसको इधर ले आकर क्या कर दें, माइनस कर दें ठीक है, क्यू आर और एस ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखो टू की क्यू आर एस एंड एंगल टू फॉर्म अ लीनियर पेयर, यानी कि ये जो एंगल है यहाँ पे ये दोनों क्या बना रही है, लीनियर पेयर बना रही है, तो यानी कि एंगल क्यू आर एस आ प्लस का एंगल टू आ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, लिख सकते हैं यहाँ पे देखो लीनियर पेयर है, तो ये वाला एंगल प्लस का टू वाला दोनों मिला क्या हो गया, 180 डिग्री, तो अगर यहाँ से टू वाला निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस का ये वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कि एंगल टू इक्वल टू 180 माइनस क्यू आर एस। ओके अब ध्यान से देखना है, यहाँ से यानी कि टू की जगह पे 180 माइनस क्यू आर एस, और यहाँ पे क्या क्या 180 माइनस क्यू आर एस, तो जब इधर वाला इधर के इक्वल हो गया तो क्या पी एस आर एंगल टू के इक्वल नहीं होगा, और पी एस आर ही हमारा क्या हो गया, एंगल वन है। ओके तो वन किसके बराबर हो गया, यहाँ पे एंगल टू के इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला एंगल हो गया वो किसके बराबर जाएगा, टू के, यानी कि एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, हमने मान लिया इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे लीनियर पेयर के जरिए यानी कि ये वाला एंगल मिलाकर 180 डिग्री ठीक है, तो यहाँ से जब लीनियर पेयर से तो इसको निकालेंगे यानी कि केवल टू निकालेंगे, तो 180 में से इसको घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टू, और यहाँ पे भी हमको मिला है 180 माइनस का क्यू आर एस, और यहाँ पे भी 180 माइनस क्यू आर एस, तो दोनों का इधर का बराबर है, तो आर एच एस आर एच एस इधर का बराबर, तो क्या एल एच एस इसके एल एच एस के बराबर नहीं, यानी कि पी एस आर इक्वल टू एंगल टू ठीक है, यहाँ पर अगर लिख रहे हैं चाहे तो लिख लो एंगल पी एस आर इक्वल टू एंगल टू, और एंगल पी एस आर ही तुम्हारा क्या है, एंगल वन है, तो यहाँ से क्या हो गया कि एंगल वन इक्वल टू टू, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर से ठीक है।
अब इन ट्रेंगल पी एक्स एस देन पी एक्स एस एंड क्यू आर वाई दोनों में, ठीक है। देखो एंगल वन इक्वल टू टू अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, एंगल पी एक्स एस एंड पी क्यू वाई आर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड पी एस इक्वल टू ध्यान से देखो पी एस आई इक्वल टू क्यू आर होगा, दोनों एंगल का देखो अपोजिट साइड है ना, दोनों एंगल का अपोजिट साइड है ये वाला, ओके। यानी कि क्या हो गया पी एस इक्वल टू क्या हो गया क्यू आर, क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने की साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। इसलिए भाई एंगल एंगल साइड थ्योरम के जरिए ये दोनों ट्रेंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि पी एक्स एस कॉन्ग्रुएंट क्यू वाई आर, ठीक है। तो जब दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसके जो एंगल पार्ट्स होंगे यानी कि जो साइड होगा वो भी क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि पी एक्स हो गया वो क्या हो जाएगा क्यू वाई के बराबर हो जाएगा, और एस एक्स होगा वो आर वाई के बराबर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी इसके बराबर है, ओके। तो यही चीज़ हमको क्या करना था प्रूव करना था, ध्यान से देख लेना एक बार, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ओके ध्यान से देखना, कह रहे कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी इज प्रोड्यूस टू ए, यानी कि ए बी सी डी क्या है एक पैरेललोग्राम है, और ए बी को क्या किया गया प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक ई तक, ठीक है। सो दैट बी ई इक्वल टू ए बी, यानी कि ये वाला जो साइड है इसके क्या है बराबर है, ठीक है। प्रूव दैट ई डी बाइसेक्ट बी सी, यानी कि प्रूव करें कि ई डी है वो बी सी को क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमको दिखाना है कि ओ सी बराबर ओ बी या ओ डी इक्वल टू ओ ई, ओके। ये चीज़ हमको दिखाना है प्रूव करना है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो अगर इस दोनों ट्रायंगल को साबित कर दिया जाए कि कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो दोनों का आमने सामने का पार्ट क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। सॉरी दोनों ट्रायंगल के क्या हो जाएगा जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होता है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दिखाता क्या है कि ये इक्वल चीज़ है, ठीक है। तो इस तरह से तो ध्यान से देखो अगर दोनों ट्रायंगल की बात करो तो यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी क्या है पैरेललोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ध्यान से देखो 3 और 4, ये तो सिंपल सी बात है कि दोनों बराबर होगा आमने सामने का वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। एंड एंगल 1 होगा और 2 के बराबर होगा, देख लो 1 क्या हो गया 2 के बराबर हो गया, क्योंकि ये वाला लाइन अगर पैरेलल है तो पैरेलल लाइन को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो जो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ये वाला बराबर हो गया, यानी कि दो एंगल बराबर हो गया, हमको एक साइड चाहिए बराबर करने के लिए। तो ध्यान से देखो ए बी बराबर डी सी, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ए बी और डी सी बराबर होगा। और यहाँ पे दिया है कि ए बी है वो बी ई के बराबर होगा, तो जब बी ई ए बी के बराबर है और ए बी क्या है डी सी के बराबर है, तो क्या बी ई और डी सी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से नहीं मिल गया एंगल एंगल साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा कि ये क्या हो गया हमारा बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सेम सोल्यूशन ध्यान से देखना, सिंस ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम देयरफॉर ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी डी सी का पैरेलल हुआ, ठीक है। तो नाउ ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ट्रांसवर्सल बी सी इंटरसेक्ट देम, यानी कि बी सी क्या कर रही है इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इक्वल टू 2 अल्टरनेटिंग इंटीरियर से, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। नाउ ए बी सी डी जब पैरेललोग्राम तो ए बी इक्वल टू डी सी, अभी बात है ना कि जब ये पैरेललोग्राम है तो ए बी डी सी के बराबर होगा, और जबकि यहाँ पे दिया हुआ है कि चूँकि ए बी और बी ई बराबर है, तो यहाँ पे ए बी जब बी ई के बराबर है, तो जब ए बी बराबर है तो क्या बी ई और डी सी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो गया बी ई इक्वल टू डी सी, क्योंकि ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो गया डी सी बी ई के बराबर हो गया, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, ओके। एंड एंगल डी ओ सी इक्वल टू बी ओ ई, देख लो एंगल डी ओ सी इक्वल टू बी ओ ई, यानी कि 3 और 4 बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इन ट्रेंगल डी ओ सी एंड बी ओ ई ध्यान से देख लो, डी ओ सी एंड बी ओ ई में ध्यान से देखो एंगल 1 इक्वल टू 2 अभी हमने निकाल लिया,
ठीक है, मटेरियल इंटीरियर एंगल से, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर के द्वारा, ठीक है। थ्री इक्वल टू फोर वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड बी ई इक्वल टू डी सी, ठीक है। बी ई और डी सी क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वाइस द एंगल एंगल साइड थ्योरम के जरिए दोनों ट्रेंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी कि एंगल ट्रेंगल डी ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल बी ओ ई, इसलिए बी ओ इक्वल टू क्या हो गया, सी ओ, यानी कि बी ओ होगा वो सी ओ के बराबर या ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। और इधर से ओ डी होगा और ओ ई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि दोनों बराबर है, तो नाम ई डी बाइसेक्ट बी सी। ओके, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, से देख लेना एक बार। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर। ओके, ध्यान से देखते हैं, कह रहे कि गिवेन ट्रेंगल ए बी सी, यानी कि हमारे पास ट्रेंगल दिया ए बी सी, ठीक है। लाइंस आर ड्रॉन थ्रू ए बी एंड सी पैरेलल रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए से भी एक लाइन ड्रॉ की गई है जो किसके है, इसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, ठीक है। पॉइंट ए से पैरेलल होगा तो वो क्या होगा, बेस के पैरेलल हो गया, ठीक है। एंड सी से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, जो कि ए बी के पैरेलल है, और बी से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है जो कि ए सी के पैरेलल है, ठीक है। यानी कि हमारे पास देखिए ए सी ओ क्या इसके पैरेलल है, बी सी इसके पैरेलल है, और ए बी क्या है इसके पैरेलल, ठीक है। रिस्पेक्टिवली टू द साइड बी सी, देखो ए सी ए एंड ए बी, यानी कि दिया ना कि बी सी के पैरेलल ई वाला है, ए से जो खींचा गया है, सी से जो खींचा गया है, और ए बी के पैरेलल है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है। एंड सी ए है, ए सी ए वो क्या है, बी से जो खींचा गया वो पैरेलल है, ठीक है। फॉर्मिंग ट्रेंगल पी क्यू आर, जो कि क्या कर रहा है, एक ट्रेंगल बना रहा है जो कि हमारा फिगर में दिया है, ठीक है, पी क्यू आर, इस तीनों पॉइंट से, यानी कि इस पॉइंट सी से पैरेलल खींचा तो आगे पीछे इधर पी पे गया, इधर क्यू तक गया, फिर बी से खींचा तो पी पे गया, इधर क्यू पे, सी ए से खींचा तो आर पे, इधर क्यू पे, तो तीनों को क्या किया, पी क्यू आर बना के एक ट्रेंगल बना दिया गया, ठीक है। सो दैट दिखाना है कि बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, यानी कि बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, यानी कि क्यू आर का बी सी क्या है, आधा है, ठीक है, मैं दिखाना है, ध्यान से देखो। इट इज गिवन दैट, ध्यान से देखो, ए क्यू पैरेलल टू सी बी, ए क्यू होगा वो पैरेलल होगा सी बी के, क्योंकि जब ये पूरा लाइन है इसके पैरेलल है, तो ए भी क्या होगा, ए क्यू होगा वो क्या हो गया, सी बी के पैरेलल हो गया। एंड ए सी क्या हो गया, क्यू बी के पैरेलल हो गया, दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी ए क्यू बी सी, ए क्यू बी सी एक पैरेललोग्राम हो गया, तो पैरेललोग्राम का आमने सामने का साइड क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए क्यू, इसको मान लिया फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, इक्वल होता है, ठीक है। अगेन ए आर पर ए आर पैरेलल टू बी सी, ए आर पैरेलल टू बी सी, एंड ए बी पैरेलल टू आर सी, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो गया, ए बी सी आर, ए बी सी आर एक क्या हो गया, पैरेललोग्राम है, तो यहाँ से भी क्या हो गया, बी सी इक्वल टू ए आर, ओके, बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए आर, इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे भी क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से होगी, ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बी सी जब इक्वल है तो क्या ए क्यू ए आर के बराबर नहीं होगा, यानी कि ए क्यू वो क्या हो गया, ए आर के इक्वल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से देखो, ए क्यू बराबर ए आर, तो ए क्यू के जगह पर हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं, ए आर, ध्यान से देखो, ए क्यू ए आर जब दोनों बराबर है, जब ई वाला साइड इस वाले साइड के क्या है, इक्वल है, तो जब इक्वल है तो ए दोनों बराबर है, ए भी एक्स हो गया, ए भी एक्स हो गया मान लेते हैं, ठीक है, तो ये दोनों मिला के क्या होगा, टू एक्स, तो टू एक्स इक्वल टू क्या हो गया, मतलब क्यू आर की, टू एक्स इक्वल टू किसी को लिख सकते हैं ना, यानी कि वही लिखा है कि ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ ए आर, ए आर का मतलब क्या हो गया, हाफ ऑफ क्यू आर, मतलब पूरा का आधा, तो पूरा का आधा क्या होगा, ये ना होगा, ए क्यू होगा, तो वही लिखा है ए क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, लिख सकते हैं। यहाँ से बी सी क्या होगा, ए क्यू और बी सी क्या है, बराबर है यहाँ से, क्योंकि ए क्यू
और बी सी बराबर रहते हैं, क्यू की जगह बी सी रखेंगे तो हाफ ऑफ क्यू आर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, यहाँ से कि बी सी क्या है ए क्यू के बराबर है, तो इसलिए बी सी ए क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, बी सी रख दिया। ओके ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को, क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके।